कुछ खास करते हैं यार, कुछ अलग सा मन करता है करने के लिए। तो हम आज ये कोशिश करेंगे केक विदाउट बेक। बहुत सिंपल तरीका है, घर पे जो मिले उसको हम करते हैं केक को आकार देने के लिए और केक बनाने के लिए। मैंने ये सूजी लिया हूँ, इसको मैंने हल्के आंच में थोड़ा सा भून रहा हूँ। इसको धीरे से मैं भून लेता हूँ और आगे आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसमें मैं डाला घी। घी कम से कम मैं 2 चम्मच करीब डालूंगा इसमें से, और इसको घी में अच्छा से भूनूंगा तब तक जब तक ये सूजी अच्छा से ब्राउन ना हो जाए। अच्छा से मतलब थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तब तक मैं इसको। अब ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन मतलब रेडिश रेडिश हो गया सारे, अच्छे से मैंने उसको भून चुका हूँ। अभी मैं इसको और एक बर्तन में निकाल लूँगा और आगे की प्रोसेस मैं बता। अभी उसी कढ़ाई में मैंने लिया दूध करीब 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, और उसमें डालूँगा मैं ये 250 करीब शुगर, 250 ग्राम है, ठीक है। तो इसको अभी मैं मिलाऊँगा जब तक ये अच्छे से दूध के साथ शक्कर मिल ना जाए। और इसके ऊपर हम डालेंगे, जैसे चीनी मिल जाएगा दूध में तो हम डालेंगे इसमें इलायची की कुटा हुआ पाउडर, ठीक है। अभी ये इलायची मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर। ये दूध उबल चुका है और इसमें हम डालेंगे सूजी। ये देखिए, ये सूजी हम डालेंगे थोड़ा गैस कम करके, ये इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। देखिए ये कैसे हो रहा है, अभी ये तो सूजी फूल के बिल्कुल, जितना पानी दिख रहा है ना कुछ भी नहीं बचेगा। चलो हम इसे बनाते हैं, मिलाते हैं। और इसमें थोड़ा सा काजू किशमिश और हल्का सा नमक, मम्मी ने बोला कि डाल दो इसके अंदर, कुछ टेस्ट आएगा। दूध में नहीं डाली फट जाएगा करके, जब ये डाले तो तभी डाल दिए उन्होंने। चलो इसको हम अच्छे से मिलाते हैं तब तक जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। देखिए ये बिल्कुल अच्छे से भून के बॉइल्ड होके मतलब पक चुका है। देखिए क्या वो ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है इसके अंदर से, और इसको हम रखेंगे ठंडा होने के लिए अभी थोड़ी देर। बहुत बढ़िया बना है, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो हम इसको केक बनाने के लिए थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं ठंडा होने के लिए। मैंने केक पैन ले लिया और उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के ये चारों तरफ लगा दिया, और इसके अंदर हम डालेंगे वो सूजी वाला हलवा जिसको हम केक बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको केक पैन में रख दिया हूँ अच्छे से केक के शेप में, और इसको हम लेके क्या करेंगे आपको पता है, लेके फ्रीजर में रखेंगे सीधा। तो ये बिल्कुल केक शेप में केक जैसे बन के रेडी हो जाएगा, तो हम किसके बर्थडे में इसको। देखिए आफ्टर 1 आवर डीप फ्रीजर में रखने के बाद आपकी केक ये बिल्कुल रेडी है ना। बहुत सिंपल केक, नो बेक। लॉकडाउन में केक मिलना तो इतना आसान नहीं है, बट हम थोड़ा सा दिमाग लगा के ना केक बना सकते हैं, वो भी बिना बेक का। चलिए आप इसको खाइए, बहुत टेस्ट है। ऐसा मतलब मत सोचिए कि टेस्ट नहीं लगेगा, बहुत टेस्टी है और यमी भी है और हेल्दी भी है, ठीक है। थैंक यू, आप इसको खाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।